Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learnings. So friends, आज हम probability का practice set 5.3 solve करेंगे. ये भी practice set एकदम easy है. यहाँ पे events देंगे हमको, हाँ बस उसको solve करना है. पहले हमको sample space लिखना है, बराबर. फिर उसके बाद में एक कोई question देंगे, बराबर. और उसके बाद में उसी के दो तीन इवेंट्स देंगे, बस उसको सॉल्व करना है. एकदम सिंपल सा एक्सरसाइज है, फोकस ऑन बोर्ड. सो फ्रेंड्स, ये क्या है यहाँ पे, राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. क्या करना है आपको, पहले तो एस लिखना है, मतलब सैंपल स्पेस ढूंढना है. फिर उसके बाद में एन ऑफ एस ढूंढना है हर एक फॉलोइंग के लिए. ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी बराबर इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी. ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को ये सम को करना है. तो आपको जो है कि इवेंट दिए गए होंगे ए बी सी, उसका भी एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी आपको लिखना है. तो एकदम सिंपल है, इसको धीरे धीरे करके समझ के सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे वन डाई इज रूल. क्या बोला है, वन डाई. जब वन डाई रूल करते हैं तो क्या आता है हमको सैंपल स्पेस. तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा. क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखूंगा मैं, इफ वन डाई इज रूल्ड, बराबर. तो s इज इक्वल टू क्या आएगा हमको, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या फिर 6. ठीक है, यही तो हमको करना था. क्या है ये, इफ वन डाई इज रोल्ड, s क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देयर फॉर एन ऑफ s इज इक्वल टू हाउ मच, 6. तो ये हम लोगों ने लिख दिया. अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ये तो हमारा सिंपल सा था, ये हमने सॉल्व कर दिया. इसको जिससे हम लोग पहले करते थे वैसे ही सॉल्व करना था ये. फिर आगे क्या दिया है, इवेंट ए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. क्या आना चाहिए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. अब फ्रेंड्स, इवन नंबर मतलब होता क्या है, इवन नंबर मतलब ये वो नंबर है जो क्या होता है, डिविजिबल बाय टू होता है. टू से जो नंबर डिवाइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर. तो फ्रेंड्स जरा फोकस कीजिए, यहाँ पे इवन नंबर क्या होएगा, तो 2, 4, 6 बस यही लिखना है हमको. तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, पहले ऐसा लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं, इवेंट ए इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. ठीक है, तो इवन नंबर ऑन द अपर फेस, तो इवन नंबर ऑन द अपर फेस मैंने आपको पहले से ही बता के रखा हुआ है. तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2, 4 और 6. तो n ऑफ a हमारा कितना आ गया दोस्तों, 3 आया. ठीक है, वैसे ही अब हमारा सेकंड इवेंट है. क्या है सेकंड इवेंट पे, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस. ऑड नंबर मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है. तो वो कौन से नंबर है, तो वो ये नंबर्स है, कौन से, 1, 3 और 5. बस आपको ये लिखना है. तो हम लोग इसको लिखते हैं, तो क्या आएगा ये हमारा, इवेंट b इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस. फिर क्या आएगा हमारा, एन ऑफ बी, मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, एन ऑफ सॉरी बी इक्वल टू, क्या आ रहा है हमारा, 1, 3 और 5. देयर फॉर आई कैन राइट एन ऑफ बी एज 3. सो फ्रेंड्स, आपको इवेंट ए और इवेंट बी अच्छी तरीके से समझा होगा, ऐसा मैं मानता हूं. अब आगे चलते हम लोग.
अगला क्या है हमारा इवेंट सी, क्या है हमारा इवेंट सी। इवेंट सी क्या है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो क्या होता है वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। कैसे याद रखना है प्राइम नंबर को, जो वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। अब देखो दोस्तों, वन, वन विल नॉट बी अ प्राइम नंबर, वन तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा तो कौन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा और फाइव आएगा। वन क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने वो कंडीशन पूरा नहीं किया, वन के टेबल में आना और खुद के टेबल में आना, ठीक है, वो कंडीशन वहां पे उसकी पूरी नहीं होती है। तो क्या आएगा, टू थ्री फाइव। तो हमारा प्राइम नंबर क्या है दोस्तों, टू थ्री और फाइव। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, टू थ्री एंड फाइव, ठीक है। तो n ऑफ C आपका कितना आ गया दोस्तों, यहां पे n ऑफ C इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, थ्री आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इवेंट A क्या था, इवन नंबर था, इवन नंबर जो डिवाइडेड बाय टू होता है, ऑड नंबर मतलब क्या होता है, जो नॉट डिविजिबल बाय टू होता है, प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द फर्स्ट सम वेरी वेल। नाउ वी विल स्विच टू क्वेश्चन नंबर टू। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस हियर, टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब देखो, हमने पहला वर्ड पढ़ा, मतलब पहला सेंटेंस पढ़ा, सॉरी पहला वर्ड नहीं, पहला सेंटेंस पढ़ा, वैसे ही हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, टू डाइज आर रोल्ड। तो हम लोग हमारा काम शुरू कर देते हैं यहीं से। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, यहां पे पहले मुझे सॉल्यूशन में क्या लिखना है, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हमारा ये जो सैंपल स्पेस है ये काफी बड़ा होने वाला है, तो हमको लिखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको, आपको एग्जाम में भी लिखना कंपलसरी है। तो इसको लिखते हैं जल्दी जल्दी, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव और वन सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, फिर क्या आएगा, टू वन, सॉरी टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, फिर वैसे ही आपको थ्री वन, थ्री टू, फोर वन, फोर टू, फाइव वन, सिक्स वन, सब लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, फिर क्या है हम लोगों का, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स। फ्रेंड्स आपको ये बोरिंग लगता है सिंपल स्पेस लिखना, मुझे पता है, बट कोई इलाज नहीं है, हमको ये लिखना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे अब हम लोग, सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स। So we can say that therefore n of s is equal to how much, 36। तो ये हमने लिख दिया n of s कितना है, 36 है, ठीक है। रो और कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into 6 will come 36। तो आप अगर इसको चाहे तो गिन भी लो, 36 ही आएगा। अब आगे चलते हम लोग, आगे चलते हैं और कहां पहुंचते हम लोग, हमारे इवेंट A में। इवेंट A is equal to क्या दिया है, द लिखना पड़ेगा आपको ये, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ सिक्स। सो फ्रेंड्स यहां पे क्या लिखना है हम लोगों को, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ सिक्स।
मल्टीपल ऑफ सिक्स मतलब क्या होता है, जो क्या होता है हमारे सिक्स के टेबल में आता है। तो हम लोग इसको क्विकली करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको। तो किस तरीके से होएगा ये हम लोगों का, तो जैसे देखो वन और फाइव, देखो सिक्स वन सिक्स, सिक्स टू ट्वेल्व, तो यहाँ पे सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, बस खाली लास्ट में ही आने वाला है, हर बार सिक्स सिक्स का ही सम आने वाला है हम लोगों को। तो फोकस कीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा ये वन कॉमा फाइव सिक्स होता है, फिर क्या आएगा सेकेंड वाले लाइन में टू कॉमा फोर, फिर थर्ड वाले में क्या आएगा थ्री कॉमा थ्री, फोर्थ वाले में क्या आएगा फोर कॉमा टू, फिफ्थ वाले में क्या होएगा फाइव और वन, फाइव और सिक्स तो इलेवन होता है, तो वो तो होने ही नहीं वाला है, सिक्स वन नहीं होएगा, सिक्स टू नहीं होएगा, सिक्स थ्री नहीं होएगा, डायरेक्ट क्या होएगा हमारा सिक्स सिक्स होएगा। सो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना आ रहा है हम लोगों का, एन ऑफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो एन ऑफ ए कितना आ गया हम लोगों का सिक्स आ गया। फटाक से हम लोग चलते हैं कौन से इवेंट पे, इवेंट बी पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स इवेंट बी इज इक्वल टू क्या दिया है वो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, मिनिमम 10 होना चाहिए। सम मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, ठीक है, तो मिनिमम 10 होना चाहिए। तो ये तो नहीं आएगा, वन प्लस सिक्स भी नहीं होएगा, टू प्लस सिक्स भी नहीं होएगा, थ्री प्लस सिक्स भी नहीं होएगा। तो हम लोगों को कहाँ से शुरू करना है, फोर्थ से शुरू करना है। तो क्या आ रहा है मिनिमम 10, मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो क्या आएगा हमारा, पहला ही आएगा फोर सिक्स बराबर, फिर कौन सा आएगा हमारा फाइव कॉमा फाइव आएगा, फिर कौन सा आएगा दोस्तों फाइव कॉमा सिक्स आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा तो सिक्स फोर आएगा, सिक्स फाइव आएगा, और क्या आएगा दोस्तों सिक्स सिक्स आएगा। सो फ्रेंड्स अगला क्या, मतलब इसको हमको काउंट करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमारा एन ऑफ बी कितना आ गया दोस्तों छः आ गया। वैसे ही अब हम लोगों को फटाक से क्या करना है, इवेंट सी को सॉल्व करना है, द सेम डिजिट ऑन द अपर फेस। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इससे ज्यादा कोई इजी हो ही नहीं सकता है। तो इवेंट सी क्या है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस। कितने लोगों को तो समझ में भी आ गया होगा कि क्या होता है इसका मतलब, द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेस। तो बोथ द अपर फेस मतलब वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स, दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए, इन शॉर्ट यही बोलना है इनको, ठीक है। तो क्या आएगा सी इज इक्वल टू वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, फोर कॉमा फोर, फाइव कॉमा फाइव, सिक्स सिक्स, ठीक है। तो ये एन ऑफ सी भी कितना हो गया हमारा सिक्स हो गया। सो फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया, 5.3 का फर्स्ट सम सेकंड सम दोनों हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं थर्ड और फोर्थ सम करूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।